मन है घायल रूह दुखी है इस दुनिया में कौन सुखी है हाँ चलते हैं अब्बा मेरा तो यही घर है बल्कि आपका काम हो गया आप जा सकते हैं बेटा ये तुम क्या कह रही हो तुम्हें मेरे साथ चलना था तुम्हारी भूल है अब्बा भला मैं अपनी अम्मा को छोड़ के तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी क्यों आई हो मेरे घर निकल जाओ दफा हो जाओ अभी यहाँ से मेरा तुम मर जाती पर लाश इस घर में आती तो मुझे ज्यादा खुशी होती भाई आपसे एक बात पूछनी थी पूछो भाई क्या माजी की अलमारी की चाबी आपने बाबा को दे रखी है नहीं तो क्यों क्या हुआ वो कल मैंने उनको अलमारी खोले खड़े देखा था शायद उसमें कुछ ढूंढ रहे थे वो अच्छा हाँ माजी ने अपनी अलमारी में कुछ अमानतन चीजें रखी हैं जिसमें जेवरात भी हैं पर कल बाबा के जाने के बाद जब मैंने चेक किया तो वहां कुछ भी नहीं था कहीं आपने तो नहीं निकाले अब भाई ये फाइल ये मुझे माजी ने दी थी और कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मैं ये आपको दे दूं थैंक यू रानी मैं देख लूंगा बीबी सर खाना लग गया है खाना नहीं खाना नहीं खाना मुझे आपने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है आपकी सेहत खराब हो रही है मुझे कुछ नहीं होता सकीना मैं बड़ी सख्त जा वैसे भी जीने की कोई ख्वाहिश नहीं रही ना ही कोई उम्मीद अब तक तो मैं इस हास में जी रही थी कहने हाल आएगा तो मेरी तन्हाई दूर हो जाएगी मैं उसकी शादी करूंगी बच्चों की कलकारियां गूंजेगी हर तरफ चहल पहल होगी मगर मेरे आस आस ही रह गई निहाल ने मुझे पहले से भी ज्यादा तनाह कर दिया बीबी साहब अब मायूस ना हो छोटे साईं को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो जल्द वापस आ जाएंगे अब उसे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं इस हवेली के दरवाजे उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके उसने हमारे बाप दादा के उसूलों को तोड़ने की हिम्मत की है जिनकी उसके बाप में भी तोड़ने की हिम्मत नहीं थी अम्मी मेरी प्यारी अम्मी मैंने कितना गलत समझा आपको अब आपकी तरह कौन प्यार करेगा मुझे मैं किसकी गोद में सर रख के रहूंगा अम्मी मुझे माफ कर दे मैंने आपकी मोहब्बत पे शक किया ये मैंने क्या किया आपका दिल दुखाया मैंने मैं बहुत बुरा हूं अम्मी बहुत बुरा और आप यूं ही खामोशी से चली गई कुछ भी नहीं कहा मुझे कुछ तो कह देती
मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा अभी, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मेरे पास आ जाए अभी प्लीज, अभी प्लीज मेरे पास आ जाए। में ना आटा है, ना चीनी है, ना नमक है, ना तेल है, खाना कैसे बनेगा? अम्मी से पूछती हूँ। अम्मी, क्या है? घर में खाना बनाने का सारा सामान खत्म हो गया है, खाना नहीं बन सकता। तो मैं क्या करूँ? मैं क्या बनाऊं? मेरा कलेजा बना लो। दिन भर इतनी गर्मी में मेरा बच्चा न जाने कहां का मारा मारा फिरता है नौकरी के लिए, मगर न जाने किसकी मनहूसियत छा गई है मेरे घर पर। अब जाओ ना यहां से, दफा हो यहां से, मेरे सर पे क्यों खड़ी हो? जब से हकीकत मेरे सामने आई है माहिन, मुझे एक भी पल चैन नहीं मिल रहा। मैंने बहुत दुख दिया अम्मी को। देखे हमाद, जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ, और आंटी जानती थी कि आप इस हकीकत से बेखबर हैं। वो मुझसे नाराज होकर गई है माहिन, और ये दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उनसे कैसे माफी मांगू, कैसे माफी मांगू मैं उनसे? मैंने तो वो लम्हा, वो वक्त खो दिया तो मैं उनसे माफी मांग सकता था, उन्हें अपने आंसू दिखा सकता था, मगर अब कोई फायदा नहीं। माँ कभी अपनी औलाद से दूर नहीं होती, वो अगर ना भी हो तो उसकी दुआएं हमेशा औलाद के साथ रहती हैं। और आप देखिएगा हम्माद, आपको जरूर सुकून मिल जाएगा। तुम ठीक कहती हो माए, दुआ करो मेरे लिए कि मेरे दिल को सुकून आ जाए। जरूर आ जाएगा, मैं दुआ करूंगी आपके लिए, क्योंकि अब सिर्फ आपकी दुआ ही उनके काम आ सकती है। अच्छा चले, अब तमाम सोचों को झटक कर सुकून से सो जाएं, बहुत रात हो गई है। ठीक, सब खैर। साईं, साईं, बीबी साईं आई है। तू उसको लेके उधर जा, मैं जैसे उसको रोकता हूँ पीछे से निकल जाना, उधर नहीं आना, ठीक है? ठीक है मासी, कहाँ ले जा रही हो? उधर चल। अरे मेरू तुम, हाँ आप घबराए हुए क्यों? अरे नहीं नहीं बेटो, घबराने की क्या बात है इसमें, हाँ बल्कि हैरान जरूर हुआ हूँ मैं तुम्हें देख के। अचानक आती हो ना छापा मारने, रंगे हाथों पकड़ना चाहती हो शायद मुझे। तौबा करे, ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरा दिल चाहता है तो मैं आ जाती हूँ। चलो खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ निहाल ने सब क्या किया? ये मुझे तो यही लगा कि आपके पास होगा। इसका मतलब है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है कि जब मैंने तुमसे कहा था मेरे पास नहीं है तो तुम्हें यकीन नहीं आया और तुम देखने के लिए खुद यहाँ पे आ गई। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, बस मैं ये समझी कि आप बाप हैं, उस पर तरस ना आ गया हो, आप ये ना सोच रहे हो कि अपना घर होते हुए दर पदर क्यों है। मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ मेरू, जब उसने तुमसे बगावत की है तो मैं उसे अपने घर में कैसे रख सकता हूँ?
तुम फिक्रमंद हो उसके लिए? हरगिज नहीं, मैं उसके लिए क्यों फिक्र करने लगी? उसने सिर्फ मुझसे नहीं अपने खानदान की रस्म और रवाज से बगावत की है, अपने बाप दादा के उसूलों को तोड़ा है एक नीच जात की लड़की से शादी करके। ज्यादातर वो बाहर रहा है, बाहर के मुल्कों में ये ऊंच नीच वगैरह नहीं होती। वो बाहर मुल्कों में जरूर रहा है लेकिन उसके रगों में हमारा खून है। तुम कहो तो मैं उसका पता लगाऊं। उसकी जरूरत नहीं। ठीक है तुम्हारी जैसे मर्जी, अगर तुम उससे ताल्लुक रखना नहीं चाहती तो मैं भी लानत भेजता हूँ। चले अभी मिलने चलते हैं उनसे। पागल हो गई हो गुड़िया, हम नहीं जा सकते। अम्मा को पता चल गया तो जानती हो ना। एक तो आप डरती रहिए, तुम्हें भी करना चाहिए। मैं नहीं डरती। अरे 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 हबीब, एक सेकंड रुक। क्या कर रहा है तू? मेरी भाई को नहीं छोड़। छोड़ मेरी भाई को। छोड़ मैंने बोला, छोड़ मेरी भाई को। नहीं नहीं कर सकते मेरी भाई को। गुड़िया गुड़िया भगा भगा। अरे भाभी आप कैसी हैं? हीरा तुम? मैं ठीक हूँ। आप कहाँ जा रही थी? नहीं नहीं कहीं भी तो नहीं। भाभी कुछ छुपा रही है मुझसे आप? कोई बात है? देखिए भाभी बता दें मुझे, या फिर आप भी मुझे अम्मी की तरह गैर समझने लगी हैं। हीरा वो घर में पैसे नहीं है और राशन का सामान भी नहीं है, कुछ पकाने को भी नहीं है, तो बस पड़ोस वाली खाला से कुछ पैसे उधार लेने जा रही थी। आप ऐसा करें, ये कुछ सौदा मैं लेकर जा रही थी, ये आप रख लें। नहीं 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 हीरा मैं ये नहीं रख सकती, तुम्हें पता है अम्मी को पता चला तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। अरे भाभी अम्मी को बताएगा कौन? आप कहिएगा मेरे पास कुछ थोड़े पैसे थे तो मैंने मंगवा लिया किसी से। नहीं ये तो तुम अपने घर ले जा रही थी ना, तुम लेकर जाओ, कुछ नहीं है, वो उधार पैसे मिल जाएंगे तो थोड़ा सामान आ जाएगा। अरे मेरे पास घर पर पैसे हैं, मैं चाचा से कहकर मंगवा लूंगी। ये ले आप रखें पकड़े। हीरा मेरा एक काम करोगी? हाँ भाभी आप बोले तो सही। हीरा ये अंगूठी है, इसको प्लीज बिकवा दोगी? इससे जो पैसे आएंगे उससे एक महीने का राशन आ जाएगा। नहीं भाभी मैं ये नहीं रख सकती, आप ऐसा करें मेरे पास थोड़े से पैसे हैं आप वो रख लें। नहीं 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 नहीं, नहीं हीरा एक बात मैंने तुम्हारी मानी है ना, अब एक बात तुम्हें मेरी माननी होगी, प्लीज ये लो। और अब तुम जल्दी से जाओ यहाँ से, अगर अम्मी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। सही कह रही है तू, ऐसा कब तक चलेगा? दो दो बेटियां भी आनी है, खाने पीने और पढ़ाई का खर्चा तो किस तरह खींच तान कर निकाल लेती हूँ, लेकिन शादियां करना आसान काम नहीं है। अम्मा 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 क्या अम्मा मुंगड़िया मानक क्या हुआ? मानक क्या हुआ? मुंगड़िया को कुछ ले गया। कौन ले गया? कौन ले गया? हबीब गुड़िया को ले गया। अम्मा हबीब हबीब ले गया? कहाँ ले गया? कहाँ से ले गया? गाड़ी में डाल के ले गया गुड़िया को। मानो मानो होश कर, मानो होश कर, पानी लेकर आके पिला। मानो मानो होश कर, मानो 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 होश कर, मानो मानो बता कहाँ ले गया, मानो कैसी गाड़ी में था, मैं सचू के पास जाती हूँ, मानो मानो चिपिला पानी लेकर आ, मानो बता मानो मानो। कहीं नहीं पता चला, पता नहीं कहाँ ले गया मेरी बच्ची को। हौसला करे मुरादा माई, इंशाल्लाह हमारी गुड़िया बहुत जल्द मिल जाएगी, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। पता चला? नहीं जितने ठिकाने मुझे मालूम थे मनुस के सबके सब पता कर लिए, कहीं नहीं पता चला, पता नहीं कहाँ ले गया मेरी बच्ची को।
हौसला करे मुरादा माई, इंशाल्लाह हमारी गुड़िया बहुत जल्द मिल जाएगी, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। माँ, हमने इतनी सारी दुकानों को पूछा, किसी को कुछ पता ही नहीं है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह करम करे, अल्लाह साफ खैरियत के रखे उसको। कहाँ ले गया? अम्मा, अम्मा क्या वो गुड़िया मिली? मिल जाएगी बेटा, मिल जाएगी जल्द। क्या होगा अम्मा? हम कहाँ ढूंढे अपनी गुड़िया को? अम्मा आप तो जानती है ना, वो हमारे बगैर नहीं रह सकती। हौसला करो, मिल जाएगी गुड़िया। मैंने FIR कटवा दी है, पुलिस ढूंढ रही है उसको। अम्मा, अम्मा पुलिस हमारी गुड़िया को ढूंढ लेगी ना? तो मुझे पानी पिलाओ जाकर, जरा सा दम ले लूं तो फिर निकलती हूँ घर से, उसके दोस्तों से पता करती हूँ उसका। कसम तेरी बात का यकीन कैसे करूं? सही, अपना पुराना यार है, शायद आपको याद नहीं, यासमीन बीवी का सौदा भी इसी ने करवाया था। हाँ 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 हाँ, याद आया। चल ठीक है, लड़की लेके आ, पहले देखूंगा मैं। टाइम बहुत खूबसूरत है, कम उम्र है, आप देखोगे ना पसंद आ जाएगी। वो सब ठीक है, लेकिन बाद में कोई दावेदार निकल के नहीं आया उसका, क्योंकि मैं गुनाह वुना नहीं करता हूँ, निकाह करता हूँ, लफड़ा फड़ा ना हो बाद में कोई। सही, कुछ नहीं होगा, वो मेरी बेटी। बेटी? सही, छोटे की बेटी है, तो अब वो जवान हो गई है ना, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं। जा ठीक है, कसम से बात कर ले और सौदा कर ले। जा साईं, ये 5 लाख रुपए मांग रहा है। दिमाग सही है तेरा? 5 लाख? साईं मैं आपको हीरा दे रहा हूँ, हीरा। जब आप देखोगे ना, आप 10 लाख देने के लिए तैयार हो जाओगे। चलो ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं यकीन कर लेता हूँ। तुम लड़की लेके आओ, मैं देखूंगा पहले। सर कल मैं फ्री नहीं हूँ, परसों 4 बजे में ले आ। ठीक है, कसम ले जा, इसको चाय शानी बना और कुछ खर्चे वर्चे के पैसे भी दे भाई। चलो। खबरदार जो मुझे अपनी औलाद का पर अपने आप को मेरा बाप का, तुम मेरे बाप कहलाने के लायक ही नहीं हो। मैं सिर्फ और सिर्फ नरगिस फारूकी का बेटा हूं, समझे? ये कौन है? ये माहीन है, हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ये तो मानो है मेरी बहन। मन है घायल, रूह दुखी है, इस दुनिया में